जय माता दी। अभी हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, फिर जाएंगे जहां जाना होगा वहां। तो चलिए नोएडा से शुरू करते हैं हम अपनी जर्नी। और सुबह 5:30 बजे हम घर से निकल चुके हैं, मैं, मेरी सासू ससुर जी और मेरे हस्बैंड। सुबह 5:30 बजे भी हमें रास्ते में चलते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि हम बहुत जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि हमारी 9:30 बजे की फ़्लाइट थी, तो हम टाइम से घर से निकल चुके थे अपने घर नोएडा से। सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन तक हमें कैब इजीली मिल चुकी थी। इस पूरी ट्रिप में सबसे ज़्यादा मम्मी जी एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये उनकी फर्स्ट एवर फ्लाइट है। अभी हम मेट्रो से उतर के एयरपोर्ट जा रहे हैं, अभी हम एयरपोर्ट जाएंगे फिर करेंगे फोन। यहाँ पर हम मेट्रो से एग्ज़िट कर रहे हैं और चल रहे हैं सीधा टर्मिनल 3 की तरफ। और क्योंकि हमारी फ़्लाइट स्पाइस जेट की है, तो हम लगेज काउंटर पे आ चुके हैं लगेज सबमिट कराने के लिए। अभी हम एयरपोर्ट पहुँच गए, अभी हमने टिकट बना दिया, अब हम जाएंगे बैठेंगे थोड़ी देर, फिर हम जहाज़ में चढ़ेंगे, फिर जाएंगे जहाँ जाना होगा वहाँ। अभी हो रहा है टाइम 7:45 AM और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम सबकी अब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है और अब हम सीधा चल रहे हैं फूड कोर्ट की तरफ। यहाँ पर फूड कोर्ट में आधा घंटा वेट करने के बाद हम चल रहे हैं सीधा हमारे गेट की तरफ, जहाँ से हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी, जो है 32 गेट नंबर से। और आपके बोर्डिंग पास में आपका गेट नंबर मेंशन होता है जहाँ से आपको एग्ज़िट करना है, तो आप उस गेट से एग्ज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर गेट से निकलते ही हमें बस मिल चुकी है, जो कि हमें एरोप्लेन तक छोड़ देगी। और यहाँ पर हम बस से उतर चुके हैं, अब चलते हैं सीधा प्लेन की तरफ। और अब आप पूरी फ्लाइट में मम्मी जी के फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल देख सकते हैं। अरे बैठ गए फ्लाइट में। पहले हमारा ट्रेन से जाने का प्लान बन रहा था, लेकिन क्योंकि मम्मी जी कभी फ्लाइट में पहले बैठे नहीं थे, तो हमने सोचा कि इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलने वाला, तो हम फ्लाइट से ही चलेंगे। और एंट्री करके सीधा मम्मी जी को बिठा दिया है विंडो सीट पर, और मैं भी खुद बैठ चुकी हूँ विंडो सीट पर, ताकि हम अच्छे अच्छे वहाँ से नज़ारे लेते रहें। और जी, माता का बुलावा यहाँ पर हमें आ चुका है, फ़्लाइट हमारी टेक ऑफ कर चुकी है। दिल्ली से हमारी 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, सो हम लगभग 11:15 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और अब मैं आपको नीचे का व्यू दिखाती हूँ, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। और यहीं से अब आप ऊपर का व्यू भी देख सकते हैं, जो कि थोड़ा विजिबल नहीं है क्लियरली, क्योंकि थोड़ा मौसम भी अभी ख़राब हो रहा है। और थोड़ी आगे चल के अभी मौसम भी ठीक है और आसमान भी बहुत क्लियर है, तो अब हम नीचे का साफ देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं बादलों के शहर में, जहाँ पे आपको चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल दिखेंगे। यहाँ पर हमारा हो गया है ब्रेकफास्ट का टाइम, तो हम सब अपने लिए ब्रेकफास्ट भी मंगा लेते हैं। यहाँ पे हमारे आ चुके हैं वेज सैंडविचेस सबके लिए। और यहाँ पे नीचे का व्यू देख सकते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है, और साथ ही हमारे एरोप्लेन की परछाई भी साथ साथ में चल रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी फ़्लाइट लैंड कर रही है और फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं जम्मू, जो कि कहलाता है सिटी ऑफ टेंपल्स। यहाँ पर आई हुई है काफ़ी तेज़ धूप। तो फ्लाइट से उतर के अब हम सीधा जा रहे हैं एग्जिट की तरफ अपना लगेज लेने के लिए। तो नीचे जाके हम कर लेते हैं लगेज कलेक्ट। और यहाँ पे बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू सिटी ऑफ टेंपल्स। तो ये रहा मेरी वैष्णो देवी के वीडियो का पार्ट 1। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास सफाई ज़रूर रखिए। ओके, बाय।